जिंदाबाद। देखिए अभी युवा कार्यकर्ता लोग तो आ गए हैं, हेमंत सोरेन जिंदाबाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और हम इधर का नजारा दिखाना चाहेंगे। देखिए कैमरा क्रू जो है इन्होंने लाइन से कैमरा बिल्कुल लगा लिया है और इस बात का एहसास दिला रहा है कि कहीं न कहीं जो है महागठबंधन कमांडिंग पोजीशन में है, ड्राइवर सीट पे है। और हालांकि सीनियर नेता जो है, जो पार्टी के स्टालवर्ट्स हैं, वो अभी भी क्लोज डोर हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति उनके लिए और है कि नेक टू नेक कई जगह फाइट हो रहा है। 10 सीटों पे मार्जिन जो है कम से कम है, कोई ट्रेल कर रहा है, कभी कोई जो है लीड कर रहा है। तो ऐसे सूरत में एक्साइटमेंट है, लेकिन वो खुलकर बाहर अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन छोटे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, वो बाहर आ चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या है, लग रहा है पूरा आ जाएगा फुल मेजोरिटी? एकदम फुल 100% चिप हम लोग का सरकार बन रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन का। और हेमंत जी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। नहीं तो हेमंत सोरेन तो अभी फिलहाल ट्रेल कर रहे थे, कर रहे हैं, मगर फिर बढ़ गए हैं, अभी आगे चल रहे हैं हेमंत सोरेन जी। ठीक है, हम लोग का सरकार बन रही है, इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। बड़े भाई हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। रुझान बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग का, 44 से 45 सीट पे हम लोग आगे चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसी सीट पे हम लोग कामयाब रहेंगे। ट्रांसलेट होगा जी 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 मोहम्मद से, भारी मोहम्मद से हम लोग का सरकार बनेगी। तो ये देखिए यहाँ कॉन्फिडेंट जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है उन्हें जीत का एहसास है और जीत जो है पक्का, जो अभी ट्रेंड दिखा रहे हैं वो ट्रांसलेट होगा नंबर ऑफ सीट्स में। और अगर 44-45 सीट बनता है इनका, अगर वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया और ट्रांसलेट होता है सीट्स में, तो जाहिर तौर पर इनकी जो है किसी के सपोर्ट के बगैर ही सरकार बनेगी। तो इन्होंने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन पर क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को से भी संपर्क में रहा जाए, कहीं दिक्कत हो, कहीं थोड़ा अपना नंबर बढ़ाया जाए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कोई भी स्टोन को या अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे। अभी जो है थोड़ी देर पहले पता चला है, और सोर्सेज जो हाईली प्लेस सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी को भी अप्रोच किया गया है। और कांग्रेस जो है उसकी अलाई रही है। अगर हम 2009 की बात करें, जिस वक्त शिबू सोरेन सीएम बने थे, उस वक्त जो है जेवीएम और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को 14 सीटें आई थी और जेवीएम को 11 सीटें आई थी। तो ये लोग रह चुके हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है उसमें भी ये लोग साथ जा चुके हैं और बीजेपी के अगेंस्ट बोलते भी रहे हैं बाबूलाल मरांडी। तो पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज बोला जाता है। और झारखंड में खास तौर से जो आप सुबह बता रही थी कि 2020 मैच की तरह है और फिनिशर सबसे अच्छे जो है वो धोनी यहां से आते हैं, तो इस बार जो है हो सकता है कि जेवीएम जो है फिनिशिंग टच दे। हो सकता है कि इनको जो है रोप इन करने की जो कोशिशें हो रही है इस खेमे से, वो जो है कहीं ना कहीं रंग लाए, क्योंकि कंफर्टेबल वो रहे हैं। इसके पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साथ गए थे, महागठबंधन में वो लड़े थे, 2009 में साथ थे। तो उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया सकता कि वो साथ में नहीं आएंगे। इसलिए अप्रोच भी किया जा रहा है दोनों तरफ से कि आप हमारे साथ आ जाइए। और जेवीएम जो है कई जगहों पर अभी लीड कर रहा है, 3 से 4 सीटों पर। बाबूलाल मरांडी खुद जो है 7,000 से ऊपर वोट से लीड कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक जो है जिसको सेल्फ करके रखा हुआ था, छोटे कार्यकर्ताओं को भी मना करके रखा हुआ था कि अभी नारेबाजी मत कीजिए, जश्न का कोई अभी माहौल नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। यहाँ पे पहुंच चुके हैं, नारेबाजी शुरू हो गई है, कैमरा क्रूज जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्लेस पे है और वेट किया जा रहा है कि हेमंत जी कब आएंगे। हेमंत जी जो है वेट एंड वॉच में है। जो ज्यादातर सीनियर लीडर्स हैं वो इस वक्त कुछ जो है कहना नहीं चाहते हैं और थोड़ा सा उन्होंने रिस्ट्रेन करके रखा है कि थोड़ा और ट्रेंड जो है क्लियर हो जाए। ये अगर मार्जिन जो है वो ज्यादा हो जाता है और ये हो जाता है कि हाँ अब जो है ये सीट में तब्दील हो ही जाएगी, उसके बाद जो है वो निकल कर आएंगे, बयान देंगे। और आज दिन भर जो है वो हेक्टिक रहने वाला है यहाँ पे। अगर सब कुछ साफ साफ अगर आ जाता है तो एक जो है बैठक होगी फॉर्मल, मिलने जुलने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, अपॉइंटमेंट सीख किया जाएगा राजभवन से, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट कब आता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, उसके बाद जो है कैसे कब स्टेक क्लेम करना है वो तमाम बातें आएंगी। लेकिन अभी जो है अर्ली है, अभी 3-4 राउंड सब जगह हुआ है। और देखिए जो कहा जा रहा था कि वोटिंग स्लो हो रहा है, वोटिंग स्लो नहीं हो रहा है इसलिए कि कोई सवाल नहीं उठे काउंटिंग में, माफ कीजिएगा काउंटिंग पे कोई सवाल नहीं उठे, इसलिए जो है
तीन चार जो है चेक पॉइंट बनाए गए हैं कि पहले जो है टेबुलेशन होता है वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है डीसी से परमिशन लेते हैं, डीसी जो है ईसीआई को बता रहे हैं और उसके बाद जब क्लियर हो रहा है तो ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है। हालांकि जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि राउंड जो है काउंटिंग हो रहा है, लगातार काउंटिंग हो रहे हैं और स्पीड से ही काउंटिंग हो रहे हैं। एक डेढ़ बजे तक दो बजे तक पूरा जो पिक्चर है वो एप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा कि किसके पक्ष में जो है बहुमत है, किसके पास आंकड़े हैं, किसने आंकड़े जुटा लिए हैं।